अब पीछे तो देखो एटलीस्ट यार, बाइक हम देख के चला रहे हैं, हम स्लो ही थे, बट आप पीछे देख ही नहीं रहो। सॉरी, हाँ उसके लिए सॉरी, बट दे दो ये क्या? यार ये क्या कर रहे हो यार? यार ने फोन तोड़ दिया यार, मेरा वर्क का काम हो ये ऐसी बात का बता यार, ये क्या कर रहे हो यार? यार ये क्या तरीका हो गया यार? यार ये क्या कर रहे हो आप? यार मेरी बाइक तोड़ो, मेरा फोन तोड़ो, मैं प्यार से बात करूँ आपसे। भाई उसको नहीं ना समझ आता, हम बाइकर्स को पता है भाई, हम आप आपको नहीं समझ आएगा एक बाइकर का दर्द क्या होता है जब बाइक टूटती है ना। हाँ तो जब बाइक टूटती है ना वो फील होता है, ये चीज जानबूझ के नहीं हुआ है, ये जो चीज आपने की है ना ये जानबूझ के किया, गुस्से में किया है, समझो आप बात को। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक अगेन टू माय YouTube चैनल समट व्लॉग्स। तो गाइस कैसे हो आप सब, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस वेलकम बैक अगेन टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है गांधीनगर से। तो यहाँ पे मैं किसी काम से आया था, तो अपना वो जो काम था वो ख़त्म हो चुका है, तो फाइनली अब यहाँ से मैं व्लॉग कर पा रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा घर का काम था यार, तो वो काम हमने कर दिया है कम्प्लीट, तो मैं फाइनली फ्री हो चुका हूँ। मेरे साथ गाइस सचिन है एंड जोरावर, तो वो मेरे पीछे आ रहे हैं। काफ़ी दिन से मोटो व्लॉग किया नहीं था और राइड भी इतना ज़्यादा किया नहीं था, तो मैंने सोचा चलो काम के बहाने वहाँ से आते आते राइड भी कर लेंगे। सो सचिन भाई का भी कॉल आया था, जोरावर का भी कॉल आया था कि चलो यार राइड करेंगे, तो वो भी मेरे पीछे आ रहे हैं। बाकी गाइस ये रहे अपने सचिन भाई, ये पहले फ़ोन से व्लॉग कर रहे थे, तो अभी भाई ने ना एक कैमरा लिया हुआ है, भाई भी बहुत मेहनत कर रहा है, तो भाई भी देखो कितना रैंडमली हमें मिला था, तो अब साथ में व्लॉग कर रहे हैं। फाइनली गाइस हमारे चैनल पे 30K भी हो चुके हैं कंप्लीट, तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया, जो भी सपोर्ट कर रहे हैं अभी तक मेरे को, दिल से शुक्रिया आप सबका यार, बस ऐसे प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखो। अभी तो जर्नी बहुत लंबी है यार, तो बस ऐसे ही मैं चाहता हूँ आप लोग सपोर्ट बनाए रखो एंड प्यार मोहब्बत देते रहो यार भाई को, है ना, आपका भाई भी आपको ऐसे एंटरटेन करता रहेगा। क्या नहीं यार रेस लगाएगा, चल आ जा। तो गाइस यहाँ पर रेस लगी है RTR 200 वर्सेस V3। यार हमारी बाइकें थोड़ा ना मानती है भाई, ओहो खतरनाक ही सीन है। 160 है 180, तो गाइस ये 180 सीसी है एंड ये 155 सीसी, 180 वर्सेस 150 ड्रैग रेस करते हैं, देखते हैं कौन जीतती है। 1 2 3 क्या बात है यार भाई, ये बाइक ना सीरियसली किसी को नहीं मानती है यार। क्या बात है यार, सीरियसली ये बाइक ना किसी को नहीं मानती, अपनी शेडो अलग ही है यार। 155 सीसी में ना किंग है ये, किंग। 155 सीसी में तो इसको हराने वाला अभी तक कोई फायदा ही नहीं हुआ यार, मतलब अभी तक तो है ही नहीं मार्केट में। यामा ने सही में क्या ही इंजन बनाया है, मतलब ये बाइक ने सही में बता रहा हूँ गाइस, इतनी सीसी से ज्यादा पोटेंशियल है इस बाइक का, तो वो चीज मुझे काफी अच्छा लगता है। तो मतलब ऐसा नहीं कि आपने अपने 150 सीसी बाइक ले ली है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो 150 सीसी बाइक चला रहा हूँ। अगर ये 180 के साथ कंपीट कर रहा है, 155 200 जैसी बाइक, जैसे अपैची है उस बाइक के साथ भी कंपीट कर लेता है, तो मतलब ये है कि कंपनी ने 155 सीसी बेशक दिया हुआ, नंबर्स में मत जाओ गाइस, पावर तो है इसमें भाई, ये बात तो है। इसी चीज़ का तो यार मैं फ़ैन हूँ, इसी चीज़ का मैं दीवाना हूँ इसका यार, और तो मैं क्या ही बोलूँ। अभी जा रहा है जोरावर आगे मेरे, भैया जी देख लो यार, लोग देखते ही नहीं है, कमाल है यार। फ़ोन में भी ध्यान है भाई अंकल जी का ना, गलत ही चीज़ है भाई, फ़ोन छोड़ के वो साइड हो जा। तो गाइस आपको अब तक तो पता चल गया होगा मेरे वीडियो में कोई भी साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इस वाले क्लिप को ध्यान से देखना। ये देखो बात करते करते ना ये रोड क्रॉस करने लगी, मैंने हॉर्न भी प्रेस किया था बट इसने ना सुना नहीं, तो अगले क्लिप में ध्यान से देखना। ये देखो देख रहे हो, ओ भाई यार क्या गलत सीन हो गया यार। जी हाँ तो हमने अंकल आप समझो, तो यहाँ पे जो अंकल है ना मेरे को बुलाते हैं और मेरे को ये बोलते हैं कि मेरी गलती है, मैं तेज़ आ रहा था करके, तो यहाँ पे वही बातचीत हो रही थी, तो वो ये बता रहे थे कि आप तेज़ थे जो कि मैं नहीं था, और मैं उनको यही समझा रहा था कि मेरी स्पीड कितनी थी, और मैं उनको सिचुएशन समझा रहा था कि एक्चुअल में हुआ क्या, किसकी गलती है। आप पीछे तो देखो एटलीस्ट यार, पीछे तो देखो, आप लोग बाइक देख के नहीं चला सकते हो? बाइक हम देख के चला रहे हैं, हम स्लो ही थे, बट आप पीछे देख ही नहीं रहो। आप अगर आप क्रॉसिंग, अरे आप जब क्रॉसिंग कर रहे हो तो आपको लेफ्ट राइट तो देखना चाहिए ना, आप फ्रंट में देख रहे हो, जिस तरफ जा रहे हो वहीं पे देख रहे हो, हम देख के चल रहे थे, दैट्स व्हाई हम, अरे मैंने कंट्रोल किया है, आप समझने की कोशिश करो, मैं बहुत स्लो था इसलिए कंट्रोल होगी बाइक, आप बिना देखे हॉर्न भी बजाया आपने देखा ही नहीं पीछे यार। अरे कहाँ यार, हम तो स्लो चल रहे थे, हम तेज नहीं चल रहे थे, हम स्लो चल रहे थे।
हमने आओगे भाई को, हम सिर्फ निकाल रहे थे साइड से, पता है 30 किस अगर भी मुझे लग जाती तो ये ना यार आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे, हम स्लो थे, हम ज्यादा तेज नहीं थे, सिचुएशन ऐसी थी, आपने पीछे मुड़ के देखा नहीं, मैंने हॉर्न दिया आपको, आपने वो भी नहीं देखा। बट मेरा कहने का मतलब सिंपल यही है, मेरा बाइक अरे मेरा कहने का मतलब सिंपल ये है कि एटलीस्ट आपको पीछे मुड़ के देख लेना चाहिए कि कुछ आ तो नहीं रहा है। फोन वो मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा, वो आपके हाथ से गिरा डर के मारे। हाँ उसके लिए सॉरी, बट ये क्या कर रहे हो? ये मेरा फोन है, भाई का फोन दे दो वापस। ये क्या यार, ये क्या कर रहे हो यार? ये क्या सीन है यार, फोन ऐसा कौन करता है यार? यार ऐसा बहुत, सुनो यार ने फोन तोड़ दिया यार, मेरा वर्क का काम होता है ये यार, ये क्या बात हो गई यार, जो हमसे हुआ वो तो जानबूझ, ये तो जानबूझ के नहीं हुआ है, मेरी बात सुनो, ये जानबूझ, सुनो सुनो, ये गलती, ये आपने जानबूझ के किया है, जो ये हुआ है ना, ये चीज जानबूझ के नहीं हुआ है, ये जो चीज आपने की है ना, ये जानबूझ के किया है, गुस्से में किया है, समझो आप बात को, आपने गुस्से में तोड़ा है। यार मेरी बात सुनो, अच्छा खासा खड़े हो यहाँ पे, नहीं लगी है बात का बतंगड़, हाँ बात का बतंगड़ बना रहे हो आप, आपकी वजह से मैंने बचाया, मैंने कोशिश पूरी की है बचाने की, दैट्स व्हाई अभी हम यहाँ पे बात कर पा रहे हैं, अदरवाइज सिचुएशन अलग होती, फोन टूटा वो आपके डर की वजह से, आपने छोड़ दिया, वो मैंने जानबूझ के आपको धक्का नहीं मारा है, और वो चीज़ ये चीज़ जो टूटी है ना, ये अनजाने में टूटी है, बट ये तो आपने जानबूझ से तोड़ी है, इसको कौन ठीक करा के देगा आप? दिखा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो यार, और भाई तू भी कमाल करता है, फोन यहाँ पे कौन रखता है यार? मैंने फोन देखा ये आगे थी, आगे तो मैंने इधर रख के बात करने चला गया, मैं उठाता हूँ फोन, इसका क्या हो गया सीन, ऊपर से अंकल बीच में आ गए थे यार, ये कोई तरीका थोड़े ना होता है यार, गाइस अंकल की कोई गलती नहीं है, मेन चीज़ बस ये है कि आप ऐसे बात का बता यार, ये क्या कर रहे हो यार? यार ये क्या तरीका हो गया यार, सुगात भाई यार क्या करे यार, बाइक तोड़ दी यार इसने, यार ये क्या कर रहे हो आप यार, ये कौन सी बात हो गई, हम आपसे प्यार से कर रहे हैं आप, यार हद ही हो गई है यार ये, अब क्या मुझे क्या है यार, गाइस पूरा इंडिकेटर ही तोड़ दिया यार, यार मुझे बताओ इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी आपको इंडिकेटर तोड़ने की, लड़की है यार, यार बाइक तोड़ दी यार, इंडिकेटर तोड़ने यार, पहले आप फोन तोड़ रहे हो भाई, मैं मेरी बात सुन जोरावर, फोन तो ठीक नहीं कराना, ये रहा आपका फोन, आप ले जाओ प्लीज, फोन नहीं ठीक कराने वाले, मुझे नहीं पता आप, नहीं 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 ये जो आप कर रहे हो ये क्या कर रहे हो आप, मुझे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो, आप इंडिकेटर तोड़ रहे हो, फोन तोड़ दिया आपने, क्यों नहीं है इशू, अरे फोन खाया पहले, फोन तोड़ दिया यार, ये कोई तरीका थोड़ी ना होता यार, चीजें आप तोड़ रहे हो, मैं प्यार यार मेरी बाइक तोड़ो, मेरा फोन तोड़ो, मैं प्यार से बात करूं आपसे, यार ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है यार, ठीक है ना यार, मेरी बाइक ठीक करवा के दे दो मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, उससे कोई मतलब नहीं, आपकी बाइक से मुझे मतलब नहीं है, इस टाइम मुझे लग सकती थी, ठीक है यार, मेरी बात सुनो ध्यान से, या तो चीज़ें बस ऐसी उतरेगी, आप बस बार बार बोलते रहोगे मेरे को लग सकती थी, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, ठीक है, या तो आप अगर आप चाहते, अगर आप समझदार होते ना, अगर एक टाइम को अगर आप ये चीज़ ना करते ना, तो क्या आप, मेरी बात सुनो अगर आप समझदार होते ना, तो ये काम ना करते, क्या पता मैं फ़ोन ठीक करा भी देता, क्या पता करा भी देता, बट ये जो चीज़ आपने की है इससे तो नहीं करवाने वाला, बाकी दूसरी चीज़ अगर आपको बात का बतंगड़ बनाना है, बहस करनी है, तो पूरी रात निकल जाएगी, हम बहस ही करते रहेंगे, ठीक है, अगर थोड़ा समझदार हो तो बात को सॉर्ट करने की कोशिश करो, पहले ही आपने इतना रायता फैला दिया हुआ है, फोन तोड़ दिया, इंडिकेटर तोड़ रहे हो, इनको यार बाइक के लिए प्यार पता है, भाई मैं क्या बोलूँ वो समझने को तैयार नहीं है, छोड़ना यार इनको, क्या पता यार, तो वैसे हमें अपने आप से प्यार होता है, ठीक है, हमारे घर वाले आपको लगती, अगर लगती फोन ठीक रहता है, फोन ठीक रहता है, ठीक है, आपको पता है बेसिक चीज आपको समझ नहीं आ रही है, जानबूझ के करना अनजाने में करने में फ़र्क होता है, ये जो चीज़ आप कर रहे हो ना गुस्से में जानबूझ के कर रहे हो ना, ये बहुत गलत कर रहे हो, हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि बात सॉर्ट हो जाए, बट ये चीज़ करके नहीं होगा, अगर आपको फ़ोन ठीक कराना था ढंग से बोल सकते थे, चीज़ें हो सकती थी मेच्योर वे में, बट आपने ये जो चीज़ की है ना, ये मेच्योर वे नहीं होता, ये मेच्योरिटी नहीं है, ये बचपना होता है, आपने बचपना शो किया अपना, कोई बात नहीं करा देंगे, मैं तेरा इंडिकेटर करा दूंगा, टेंशन मत ले भाई, आप फ़ोन ठीक करा दो इसका, बस आप फ़ोन ठीक करा दो ना, पहले तो आपने मेरा फोन तोड़ा है, तो हम कराते हैं ना, हम उठाए क्यों, मेरी बात सुनो, हम फोन, आप इसका फोन ठीक करा दो, हम आपका करा देंगे, इंडिकेटर में करा दूंगा तेरा, डोंट वरी, ठीक है, इंडिकेटर भी फोन ठीक करा के देंगे भाई, उसको नहीं ना समझ आता, हम बाइकर्स को पता है भाई, हम बाइकर्स को पता है,
आपको नहीं समझ आएगा एक बाइकर का दर्द क्या होता है जब बाइक टूटती है ना। हाँ तो जब बाइक टूटती है ना वो फील होता है। चलो छोड़ो यार, देखो बहस करने का फायदा नहीं है, मेरी बात सुनो। ये रहा फोन, ठीक है आप ये फोन ठीक करा दो, ये मेरा फोन ठीक करा दो उसके। दुकान यहाँ पे गांधीनगर की दुकान है, चलते हैं वहाँ पे। तो चलो फिर चलोगे वहाँ तक? नहीं चलोगे अगर स्कूटी तो मैं यहाँ पे थोड़ी होती। चलोगे हमारे साथ? चलोगे आप यहाँ तक जाना है? कंफर्टेबल हो? चल ले चल, फिर मुझे नहीं पता कहाँ पर है। चल करवा रहे डोंट वरी, करवा रहे। यार ये कुछ यार मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, वो बोल रही है तेज, वो देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, वो बोल रही है तेज चला रहे। मैं एक व्लॉग डालूंगा, आप व्लॉग में देख लेना मेरी स्पीड क्या थी, ठीक है? आप व्लॉग में चेक कर लेना कि मैं कितना स्पीड में था। अब हर चीज़ ये होता है, इनको लगता है कि कोई बाइकर चल रहा है तो भाई वो स्पीड में ही चल रहा होगा या फिर वो रेस ही कर रहा होगा। मैं क्या बोलूँ अभी इन चीज़ों में, मैं तो ज़्यादा कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। फिलहाल भाई का जाके फ़ोन ठीक कराते हैं, उनका भी करवा देते हैं। बाकी यार ये इंडिकेटर ना भाई का, इन्होंने ऐसे मतलब कितने बुरी तरीके से, ये देख रहे हो भाई कितने बुरी तरीके से तोड़ दिया हुआ लात मार के ना भाई, गलत चीज़ होती है यार। नहीं लगेगा यार, टूट गया यार, लॉक टूट गया है, लॉक टूट गया है यार। क्या बोल रहे हो यार, मेरे को पता नहीं, ये गलत बात होती है यार भाई। बाइकें तोड़ना ना मेरे को नहीं पसंद यार, ये सब चीज़ें ना क्या बताऊँ यार, हर बार ना कुछ ऐसा ऊटपटांग सी चीज़ हो जाती है ना, मेरे को समझ नहीं आता। चीज़ें सही तरीके से हो सकती थी, बेटर वे में हो सकती थी, बिना नुकसान करे बिना कुछ करे। मैं हमेशा कोशिश मेरी यही रहती है कि भाई बात ना चीज़ें ना बात करके सॉर्ट हो जाए, लेकिन भाई उनका अलग ही रहता है भाई। यहाँ पे ना गाइस चीज़ें बात करके आराम से चीज़ें सॉर्ट हो सकती थी, क्या पता हम फ़ोन ठीक करा देते, ठीक है ना। बट उनका ये था कि भाई मेरे को ये मेरा वो कहो। अब इस बात पे मैं ज़्यादा क्या ही एलैबोरेट करूँ, ठीक है अभी जाते हैं सीधा उनका फ़ोन वगैरह जो भी है ठीक करवाते हैं। भाई मेरा तो पूरा मतलब दिमाग ही ख़राब हो गया, मस्त व्लॉग बनाने निकला था, बस यही चीज़ें होना रह गई थी। अभी चलते हैं भाई, अभी मुझे तो पता नहीं यहाँ पे कौन सी शॉप है, वहाँ जाके चेक करवाते हैं भाई। क्या ही बोले यार, कौन सी शॉप है? हाँ तो चलो ठीक है, चलो पूछते हैं भाई भैया से कितने का होता है क्या होता है। ठीक भैया, ये फ़ोन दोनों की डिस्प्ले चेंज करवानी है। टूट गया फोन यार, टूट गया ये, टूट गया यार, ये बस हो गया थोड़ा कुछ। इसका कम नहीं थोड़ा यार भैया, कोई डिस्प्ले चेंज होगी इसकी, बैक ढक्कन चेंज होगा और ऊपर से ऑन है नहीं वो देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। हाँ तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि मिनिमम, बट ठीक हो जाएगा ना। 3000 का। और ये वाला इसका 2000 का खर्चा आया इसका। देखो चलते चलते बंद कैसे बंद होगा, ये गिर गया था फोन। मिनिमम ले गया 2500 की रेंज का। 2500 तो कब तक ठीक होंगे यार? ये कल मिल जाएंगे। कल? आज नहीं हो सकता? हाँ बिल्कुल शाम को मिल जाएगा। आज कल मिलेगा आप बता दो क्या कल तक ठीक है? ठीक है भैया, आप दोनों ये कर दो, आप फिर आपको कल शाम को मिल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे ना, ठीक हो जाएंगे ना। चलो ठीक है, तो अब क्या ही बोलूँ मैं गाइस। यहाँ पे फाइनली हमने फ़ोन पकड़ा दिए भैया को, भैया कह रहे हैं कि कल आके फ़ोन मिल जाएगा आपको, बिकॉज अभी शाम हो चुका है ना, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, अभी पॉसिबल नहीं है। तो कल आएंगे हम यहाँ पे एंड कल आके ना इनको, इनका फ़ोन ठीक हो जाएगा तो कल आके इनको फ़ोन दे देंगे एंड अपना भी अपने। मैं क्या बोलूँ, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, तूने तो देखा ही, मैं तो इतना स्पीड में था भी नहीं से। तो कल आपको फ़ोन आपका मिल जाएगा, ठीक है कल शाम तक भैया ने बोला है, तो शाम को आप इधर ही आ जाना, तो हम भी एक टाइमिंग देते हैं। नहीं 3-4 बजे, शाम को 4 बजे, 4 बजे तक आप यहाँ पे मिल जाना, हम यहीं पे आ जाएंगे, आपको फ़ोन पकड़ा देंगे तो अपना भी ले लेंगे, तो जो भी होगा क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंकली स्पीकिंग ना, तो आपको ये चीज़ करनी नहीं चाहिए भाई, दबे आपने मतलब फालतू का इतना। चलो जो भी है, चलो यार चलते हैं, ठीक है चल यार जोरावर।